सुप्रभातम बच्चों, आज मैं आप लोग को संस्कृत गद्य में पंचमा अध्याय परम वीर अब्दुल हमीदा का भाग 3 पढ़ाऊंगी। इसका भाग 1 और 2 मैं पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों, आज मैं जो भाग पढ़ाऊंगी उसमें इसका वर्णन किया गया है कि वीर अब्दुल हमीद जो है अपने शत्रुओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यह बड़े दुख की बात है। चलिए देखते हैं। तथा भूतेन दिव्य उत्साहेन दीपित, इस प्रकार दिव्य उत्साह से भरपूर श्री अब्दुल हमीद तो नृत्य मृत्यु की तरह तद भयावह युद्धम, और उस समय जो भयंकर युद्ध था उसको कंदुकम क्रीडनम इव गेंद के खेल की तरह युद्ध क्षेत्रम क्रीडा क्षेत्रम इव युद्ध क्षेत्र को क्रीडा क्षेत्र की तरह खेल के मैदान की तरह गोलकम जातम च कंदुकम इव, और गोलियों को गेंद की तरह मन्य मानो मानते हुए जीप वाहन आरूढ़ जीप वाहन पर चढ़ करके पैंटन टंका नाम पैंटन टंकों की छाया अग्रसरें, छाया के आगे पाकिस्तानी सैन्य उपरोधतुम, पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने के लिए तेसाम टैंकेस उनके टैंकों पर गोलिकान प्रक्षेपण गोलियां फेंकते हुए अभिमुखम आगत उनके सम्मुख आ गए। फिर से देखिए, इस प्रकार दिव्य उत्साह से दीपित जो है वीर अब्दुल हमीद जो है मृत्यु को किस तरह समझते थे, नृत्य की तरह, मृत्यु को नृत्य की तरह, भयंकर युद्ध को गेंद के खेल की तरह, और युद्ध क्षेत्र को खेल के मैदान की तरह, और गोलियों को गेंद की तरह समझते हुए जीप वाहन पर चढ़कर पैंटन टंकों की छाया के आगे पाकिस्तानी सैनिक अवरुद्ध तुम, पाकिस्तानी सैनिकों को अवरुद्ध तुम रोकने के लिए तेसाम टैंकेस उनके टैंकों पर गोलिकान प्रक्षेपण गोलियां फेंकते हुए अभिमुखम आगत उनके सम्मुख आ गए। टैंक रक्षित रिपु सैनिका, टैंक पर जो उनके शत्रु सैनिक थे वह हमीदस्य जीप यान, वह हमीद के जीप यान पर सतत्रय हस्त दूरम तीन सौ हाथ की दूरी पर दृष्टम देख करके तद अभिलक्ष्य उन्हें लक्ष्य करके अर्थात निशाना लगा करके महाभीषणों गोल का छेदनम कर तुम आरब्ध, और भयंकर गोलियों की वर्षा करने लगे। तद छड़ेन हमीदे, उसी क्षण हमीद भी विद्युत गत्या विद्युत गति की तरह हस्त गोल कर प्रक्षिप्त हाथ से गोले फेंक करके स टैंक को विनाशित उनके टैंक को नष्ट कर दिए। पाकिस्तानी सैनिक जो है टैंक पर चढ़ करके भयंकर गोलियां चलाने लगे। उस समय वीर अब्दुल हमीद जो है क्या किए, हाथ से ही गोला फेंक करके उनके टैंक को नष्ट कर दिए। इसके बाद क्या होता है देखिए, तद दृष्ट्वा अप्रेण पाकिस्तान टैंके, यह देख करके कि वीर अब्दुल हमीद जो है मेरे टैंक को नष्ट कर दिए हैं, तो दूसरे पाकिस्तानी टैंक वाले जो है हमीद के ऊपर आक्रमण कर दिए। किंतु वीरोत्तमेन अनेन सो अपि हस्त गोले, लेकिन इस उत्तम वीर ने अपने हाथ के गोले से ही तथा ध्वंसनित उसे भी नष्ट कर दिया। वीर अब्दुल हमीद ने अपने पराक्रम से हाथ से ही गोले फेंक करके दूसरे टैंक को भी नष्ट कर दिए। अहो वैचित्र्यम्, अरे यह बड़ी ही विचित्र बात है, बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। भारतीय वीर वरस्य तस्य शौर्यस्य एन उत्तम उपकरणा अपि शत्रो निरुद्ध, यह बड़ी विचित्र बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस उत्तम वीर ने हाथ से ही गोले फेंक करके शत्रु को क्या कर दिया, रोक दिया। हस्ति सस्यो हियु, यह युद्ध जो है हाथी और खरगोश की युद्ध की तरह प्रतीत हो रहा था, और झंझा दीपयो हियु आंधी में दीपक के समान प्रतीत हो रहा था। परंतु लेकिन बड़े यही दुख की बात है कि रण सिरसी वर्तमानस्य भारत वीर धीर अस्य अनुपम देव, लेकिन बड़े ही यह दुख की बात है कि इस भारतीय वीर के ऊपर तृतीय अस्मात पाकिस्तान टैंक का तृतीय पाकिस्तानी टैंक ने प्रक्षिप्तेन गोलकेन तीसरे पाकिस्तानी टैंक
से फेंके गए या चलाए गए गोलियों से प्राणांत हो जाता, इनके प्राण अंत हो गए अर्थात मर गए। जब तीसरे पाकिस्तानी टैंक वाले जो है गोलियां इनके ऊपर चलाए तो इनका प्राण अंत हो गया। दो को तो पहले और दूसरे को तो यह हाथ से ही गोला फेंक करके नष्ट कर दिए थे। जब तीसरे पाकिस्तानी वाले जो है अपने तीसरे टैंक से गोलियां इनके ऊपर बरसाए तो इनके प्राण अंत हो गए। मृतस्य अस्य वदने, मरने के बाद भी इनके वदने मुख पर मातृभूमि रक्षार्थम, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग जनित संतोषम सुतराम अंकितम, प्राण निकलने के बाद भी संतोष की लहर इनके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्षण भंगुरे अस्मिन संसारे, इस क्षण भंगुर संसार में कलेवरम तू क्षण भंगुरतम, शरीर तो नष्ट होना क्या है निश्चित है, जब यह संसार ही क्षण भंगुर है अर्थात संसार नष्ट होने वाला है तो यह शरीर तो क्या है नष्ट होना तो शरीर का निश्चित ही है। तस् विनिमयेन विमल कीर्ति रंजनम, और इसके बदले विमल कीर्ति यश का मूल्य क्या है, अमूल्य है जिसका मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता है। परम वीरेण अनेन संदिग्धम प्रमाणितम, इस परम वीर ने यह बिना किसी संदेश के ही प्रमाणित कर दिया यत कि स्वल्प उपकरण स्व ओजसो महांति कार्याण यही संपादन थे, कि थोड़े से उपकरण से और अपने पराक्रम से जो बड़ा बड़ा कार्य सिद्ध किया जा सकता है तो एव महान तो न तो साधन संपन्ना, वह साधन संपन्न लोग उसे नहीं कर सकते हैं, थोड़े से साधन से उसे जो जिसके अंदर शौर्य है पराक्रम है आत्मबल है वह जिस कार्य को कर सकता है कम साधन से ही, लेकिन जिसके अंदर शौर्य तेज पराक्रम बल नहीं है वह बड़े से बड़े साधन भी लेकर के कोई कार्य नहीं कर सकता है। एवं असौ पर सतही महारथी अभिमन्यु, यह इस प्रकार यह सैकड़ों महारथी अभिमन्यु की तरह बलवित भी उद्धन बलपूर्वक युद्ध करते हुए सखाई आलिंग मृत्यु, मृत्यु को सखा की तरह आलिंगन करते हुए इतिहास पुरुष बन जाता इतिहास पुरुष बन गए। यह सैकड़ों महारथी अभिमन्यु की तरह बलपूर्वक युद्ध करते हुए मृत्यु को सखा की तरह आलिंगन करते हुए इतिहास पुरुष हो जाता इतिहास पुरुष हो गए। यस्य देशस्य रजस्य क्रीडित्वा, जिस देश की मिट्टी में खेलते थे तेन बाल्यम नीतम, इन्होंने अपना बचपन बिताया। यस्य अन्न जलाभ्याम तस्य देहं पुष्टिं दात, और जहां के अन्न और जल से अपना शरीर मजबूत किया। यस्य वायु तेन सततम श्वसितम, और जहां की वायु में उन्होंने खुल करके सांस लिया। तम प्रति स्व कर्तव्यम परिपूर्ण, उनके प्रति वो अपने कर्तव्य को पूरा करके स्वकृतार्थ हो वह धन्य हो गए। जहां की मिट्टी में उन्होंने खेला बचपन बिताया उनके प्रति अपना कर्तव्य करके वह धन्य हो गए। भारत शासन ही असो, भारत सरकार ने इन्हें सूर शिरोमणि मरणोपरांत, इस सूर वीर के मरने के उपरांत परम वीर चक्र में सम्मानित, परम वीर चक्र से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश शासन ने, उत्तर प्रदेश शासन ने भी तस्य कुटुंबस्य भूयसी सहायता कृता, उनके परिवार की अत्यधिक सहायता की। तस्य मृतस्य उनके स्मृतस्य उनकी स्मृति में उनकी यादगार में या उनकी याद को हमेशा बनाए रखने के लिए तस्य ग्रामस्य नाम हमीदपुरम इति कृतम, उनके गांव का नाम ही हमीदपुर कर दिया कि उनकी याद हमेशा सबको बनी रहे कि जिन्होंने अपनी मां की भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया न्यौछावर कर दिया। अब देखिए श्लोक है, रक्षणाय जन्मभूमि प्राणान अपि त्यजन्ति यो, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। यशो देहेन जीवन्ति, यश रूपी शरीर से वह क्या रहते हैं जीवित रहते हैं। मार्गम अन्यान दिशन्ति ते, और वे दूसरों को मार्ग दिखाते हैं दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं। मातृभूमि पादयो भक्त्या शिर पुष्प समर्पका, मातृभूमि के पैरों में अपने सिर रूपी पुष्प को समर्पित करते हैं। यश काया वह यश रूपी काया से स्वयं देवा वीर वरा धन्य, वे स्वयं वीर मनुष्य क्या है धन्य है। फिर से देख लीजिए,
जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं वे मनुष्य क्या होते हैं, यशोदेहीन जीवंती, यश रूपी से वह जीवित रहते हैं और मार्गान अन्यान दिशंती, और दूसरे लोगों को वह रास्ता दिखाते हैं, दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं। मातृभूमि पादयो भक्त्या सिरा पुष्प समर्पका, मातृभूमि के पैरों में अपने सिर रूपी पुष्प को समर्पित करने वाले यश काया स्वयं देवा, यश रूपी काया से वह स्वयं देवता तुल्य वीर मनुष्य क्या है, धन्य है। तो बच्चों आपका परम वीर अब्दुल हमीद पाठ जो है समाप्त हो गया। इसका सारांश आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जितना पैराग्राफ मैं पढ़ाई हूँ उसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।